2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण के चुनाव से पहले बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अचानक से नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी के खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ रही है, बताएंगे आपको क्या बुरी तरीके से फंस गई है भाजपा और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, बताएंगे आपको खड़गे ने क्यों कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा और इसी के साथ में हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार को है खतरा, दुष्यंत चौटाला किसी भी वक्त कर सकते हैं बड़ा खेला दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बीजेपी के नेता के द्वारा लाइव करके बूथ कैप्चरिंग किए जाने के मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, बताएंगे कौन से राज्य से यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसके साथ में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी से जोड़कर जमकर सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। भारत की छवि भी खराब हुई है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई है ऐसी टिप्पणी जिससे भाजपा को अब नजरें झुकानी पड़ेगी दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के तौर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश इस बार हम दो हमारे दो की नहीं बल्कि हम सबकी सरकार बनाएगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए बताया गया कि नरेंद्र मोदी इस वीडियो में अडानी अंबानी के बारे में गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अडानी अंबानी बोरे में भर भर कर काला धन देते हैं। आखिरकार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर दिया, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे जो प्रधानमंत्री अब कहने लगे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में दावा करते हैं कि राहुल गांधी अब अंबानी अडानी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले वो अंबानी अडानी को लेकर ही जहां तहां टिप्पणी कर रहे थे। अचानक से चुनाव आते आते उनके बयानों में बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना पूरी तरीके से 100% झूठ है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से कैंपेन हम दो हमारे दो के खिलाफ चल रहा है और राहुल गांधी भी 22 से 25 उद्योगपतियों के बारे में बोलते हैं कि उनको भाजपा की सरकार के दौरान 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए, जबकि किसानों को कोई राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बातें कह देना कि राहुल गांधी अब ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, अडानी अंबानी पर सवाल खड़ा क्यों नहीं कर रहे, क्या उनको टेम्पो और बोरे भर भर कर पैसे पहुंचाए गए हैं, ये अपने आप में इस बात के तथ्य को स्वीकार करने जैसा है कि अंबानी अडानी बोरे में भरकर काला धन दूसरी पार्टियों को देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयान पर जस्टिफिकेशन देना चाहिए। सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को लेकर अब जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वक्त बदल गया है, दोस्त दोस्त ना रहा, 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए, इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। तेलंगाना के करीम नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछा कि आखिर लोकसभा की तारीख घोषित होने के बाद अंबानी अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उद्योगपतियों से कितना धन प्राप्त हुआ है, आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। अब पूरे असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है दोस्तों। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को तय करना है कि वो बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करेंगे या फिर भाजपा का विरोध करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के गठबंधन से अलग हुए हैं। हालांकि किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी में कोई डिफरेंस है। 4.5 साल तक 1 साल मिलकर सरकार चलाई थी और अब चुनाव आते ही एक दूसरे से अलग हो गए हैं ताकि अपने अपने वोटों को एकजुट किया जा सके। तो जननायक जनता पार्टी का ये टेस्ट है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या भाजपा की सरकार को अल्पमत में रहने देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जाएगी और कांग्रेस पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हरियाणा के चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी को अपर एज बताया जा रहा है। निर्दलियों के जाने के बाद ये परसेप्शन क्रिएट हो चुका है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त बाउंस बैक कर रही है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी को लेकर जो बयान दे रहे थे इस पर लेखक विनोद कापड़ी बोले, कहा राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी से टेम्पो भर भर कर काला धन मंगवाया है और बतौर प्रधानमंत्री आपको सब पता है तो आपने क्या कदम उठाए नरेंद्र मोदी जी, आपकी ईडी ने क्या कदम उठाए नरेंद्र मोदी जी, आपके सीबीआई ने क्या कदम उठाए नरेंद्र मोदी जी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी का काला धन क्यों नहीं पकड़ते, भाषण से पहले आपकी एजेंसियों ने ब्लैक मनी से भरे टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ा, ये काम भी नेहरू का ही था क्या, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की है। फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से लाइव किया गया, लाइव के दौरान बीजेपी के नेता ने ये दिखाया कि उन्होंने बूथ कैप्चर कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाए जा रहे हैं। फेसबुक पर इस तरीके का वीडियो सामने आने के बाद अब जिला अधिकारियों से मुलाकात की गई है दोस्तों, पूरे मामले पर कार्रवाई की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के दौरान गुजरात में सारी सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन इस दौरान बूथ कैप्चरिंग और फेसबुक लाइव करके बूथ कैप्चर करता हुआ दिखाया जा रहा था। विजय भाबर नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पर गुजरात के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से जहां पर एक और सवाल खड़े किए गए, आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला। कहा गुजरात की दादोह विधानसभा में बीजेपी के नेता के बेटे ने सरकारी कर्मचारियों को धमका कर पूरा बूथ अपने कंट्रोल में कर लिया, उतना ही नहीं उसने अपने करतूतों
को फेसबुक लाइव किया, बीजेपी वाले इतनी बेशर्मी कहां से लेकर आते हैं, ये जवाब भाजपाइयों को देना है। साथ साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े न्यूज अखबारों में से एक, द ऑस्ट्रेलियन की ओर से एक पोस्ट लिखा गया, इसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी न्यू अलायंस वाज अ मास रेपिस्ट, यानी नरेंद्र मोदी को यह पता था कि उनका जो अलायंस पार्टनर है वो मास रेपिस्ट है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुल मिलाकर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन अखबार की एक कटिंग सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। इस पर नरेश बाल्यान ने कहा कि ईडी को विदेश भेजकर इस न्यूज पेपर पर छापे नहीं पड़वा सकते, क्या हिम्मत कैसे हुई ऐसा लिखने की, यानी सच लिखने की हिम्मत कैसे हुई, तंज कसते हुए बातें कही जा रही है। दोस्तों द ऑस्ट्रेलियन न्यूज अखबार में छपी रिपोर्ट को लेकर यह दावा किया गया है, 8 तारीख की यह रिपोर्ट बताई जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ सुधीर चौधरी ने प्रदीप गुप्ता से पूछा, यानी एक बड़े साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि सीट कम भी हुए हैं तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगे ना, इस तरीके के। दोस्तों सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं लोगों ने अपने अपने हिसाब से तंज कसना शुरू कर दिया है। सब कह रहे हैं कि अब ऐसे बयान देना, ये कहना कि सीट कम हो गए हैं तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार तो बन जाएगी ना, ये साफ तौर पर इनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि थोड़ा तो बताइए, कुछ तो बताइए, कैसे भी बताइए, कुछ तो हिम्मत बढ़ाइए, कहीं ना कहीं से कुछ तो निकालिए, समझाइए। यानी दोस्तों जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं ऐसा लग रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन है, डर सता रहा है कि कहीं सरकार ना चली जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुधीर चौधरी कितने बड़े बड़े मामलों में जेल जा चुके हैं। इसके साथ में प्रधानमंत्री जी के मुताबिक मुकेश अंबानी और अडानी बोरी और टेम्पो में काला धन भरकर कांग्रेस पार्टी को भेज रहे हैं, ये ईडी की बड़ी विफलता है। लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद से अपनी सरकार की विफलताएं लोगों को गिनवा रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी बयान ये सोचकर दे रहे थे कि इससे कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब होगी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देने में मुश्किल आएगी, लेकिन उल्टा ही उन्होंने अपनी सरकार की मुसीबतें बढ़ा ली और अडानी अंबानी को भी बीच में फंसा दिया है, बोरी और टेम्पो भरकर काला धन देने जैसी टिप्पणी कर दोस्तों और ईडी की विफलता को भी बताया जा रहा है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी जिस स्तर पर उतरकर प्रचार कर रही है ये किसी डर के व्यापार से कम नहीं है। मंदीप पुनिया की ओर से वीडियो शेयर किया गया है, इसमें स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग राम मंदिर के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद राम मंदिर पर आए फैसले को बदल दिया जाएगा, क्या राम मंदिर को आंख दिखाने वाले लोगों को आप लोग सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे, लोगों से ये बातें कर रही है स्मृति ईरानी। दोस्तों सवाल ये है कि राम मंदिर के फैसले को बदलने की बातें कांग्रेस पार्टी ने कहां की है। कुल मिलाकर बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के मिस इन्फॉर्मेशन जहां तहां फैलाया जा रहा है और मंत्री जैसे बड़े पदों से ये बातें कही जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे नेताओं को नोटिस देना चाहिए और पूछना चाहिए कि कहां कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि वो राम मंदिर पर आए कोर्ट के फैसले को पलट देगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जमीनी स्थिति इतनी गड़बड़ा गई है कि हम दो हमारे दो के पापा खुद की संतानों का बलिदान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए 8200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया है, इतना भयंकर घोटाला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहा है। याद रखे कि आपने चार रास्ते द्वारा प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के निजी स्वार्थ और सत्ता लोभ के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए का ठेका और लाइसेंस दिया। अगर आज भारत में ऐसी स्थिति है कि 21 अरबपतियों के पास इतना धन है कि 70 करोड़ भारतीयों के पास है, तो वो प्रधानमंत्री के नियत और नीति का भी परिणाम है। जाहिर सी बात है कि 21 में वो हमारे दो की बहुत अहम भूमिका है, यानी जो 21 उद्योगपति है उसमें हम दो हमारे दो वाले ज्यादा आगे है। इस तरीके से जयराम रमेश ने फिर से निशाना साधा है और प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाई गई है। दोस्तों अडानी की परछाई नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनकी परछाई जो बन रही है वो अडानी बन रही है, इस तरीके से दिखाते हुए कहा गया है कि अपनी परछाई से भी डरते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जय हिंद।